हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटिक विजय यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, हम लोग सीख रहे हैं कोरल ड्रा एक सेट और हम लोगों का चल रहा है एडवांस सीरीज। काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के कि फ्लावर्स वगैरह के डिजाइनिंग्स के बारे में कुछ बताया जाए और रंगोलीज वगैरह कैसे बनाई जाती है, उसके अंदर हम लोग कैसे डिजाइनिंग्स वगैरह करते हैं, कुछ नए डिजाइनिंग्स के बारे में बताया जाए। तो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो से हम लोग लगातार बात करेंगे। एक दो वीडियो तक लगातार हम लोग बात करेंगे कि कुछ फ्लावर्स वगैरह हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे। तो इसे प्रॉपर तरीके समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कोरल ड्रा पे और समझते हैं कुछ फ्लावर्स के बारे में। तो दोस्तों, ये रहा कोरल ड्रा एक सेट और आप यहां पर देख पा रहे हैं ये कुछ लोटस के डिजाइनिंग है। तो ये एक्चुअली नेचुरल जो है कमल का फूल, हम इसको नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए एक कमल का जो चुनाव चिन्ह होता है, हम वैसा मान सकते हैं इसको। तो ये बिल्कुल आसान होगा और बिल्कुल बहुत ही कम समय में हम लोग इसको बना पाएंगे। अगर मुझे बनाना होता तो शायद एक मिनट के अंदर मैं इसको बना सकता हूं, बट अभी बताना है आप लोगों को थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से आप इसको समझ लेंगे तो इस टाइप के कोई भी डिजाइनिंग्स को बनाने के लिए आपको समय नहीं लगेगा। बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत कम समय में आप लोग बना पाएंगे। तो दोस्तों, हम इसे डिलीट करते हैं और प्रोसेस के बारे में हम समझते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत ही इजीली बन पाएगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक पंखुड़ी बनाने के लिए जो है हमें यहां से फ्री हैंड टूल से एक हमें ट्रायंगल बनाना होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर क्लिक किया, एक क्लिक हमने यहां पर क्लिक किया, फिर दोबारा इसी पर क्लिक किया ताकि ये लाइन से लाइन हमारी दोबारा से जो है ज्वाइंट हो जाए। उसके बाद जो है हमने यहां पर क्लिक किया, फिर यहां पर एक बार और क्लिक किया और यहां पर ला करके हमने जोड़ दिया। अब ये एक्चुअली सही मामले में बिल्कुल सही सीधी लाइन में ये ट्रायंगल है या नहीं है, इसको पहले हम लोग सही करते हैं। उसके लिए इस लाइन को सीधी करने के लिए हम यूज करेंगे ये वाला गाइडलाइन। यहां पर ला करके जो है हम किसी भी एक नोट से हम मिला देंगे और उसके बाद जो है गाइडलाइन शो करना होगा। अभी हम इसको एक दो हो गई है, इसको डिलीट करते हैं। अगर नहीं दिखाई दे तो इसका मतलब ये होता है कि यहां से हाइड हो गया है। तो इसको क्लिक करेंगे तो ये शो होने लगेगा। उसके बाद जो है हम इसको लेते हैं और दोबारा से सेप टूल के माध्यम से हम ये नीचे वाली लाइन को जो है बराबर करते हैं। यहां से इसको हम ऐसे मिला देंगे ताकि ये नीचे वाली लाइन बिल्कुल भी सीधी हो जाए। अगर प्रॉपर नजर नहीं आ रहा है तो आप इसको थोड़ी सी बड़ा करेंगे, जूम करके करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से जो है सही होता हुआ नजर आएगा। मान लीजिए हमने इस लाइन पर ये लिया और यहां से हम इसको लेकर के बिल्कुल हमने सीधा कर दिया। उसके बाद जो है ये बिल्कुल सेंटर में है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी जो है सेलेक्ट रखते हुए हम यहां से ये गाइडलाइन लेंगे और यहां से जो ये पॉइंट बन रहा है ऊपर नीचे इस पर रखेंगे। आप ये देख सकते हैं थोड़ा सा आउट है। इसके लिए हम फिर दोबारा से जो है सेप टूल को लेंगे और यहां से इसे पकड़ करके नोट्स को हमें बिल्कुल भी इससे सेंटर में कर देंगे। अब जो है आप ये देख सकते हैं बिल्कुल ये लाइन सीधी है। और इस तरह करने के बाद इसके बाद जो है बिल्कुल सिंपल है, आप इसको सेलेक्ट रखते हुए और सेप टूल के माध्यम से पहले एक भुजा को, इसकी जो एक लाइन है आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है यहां से आप जो है इसका कर्व कन्वर्ट टू कर्व पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा आप कर्व करेंगे इस तरीके से। आप इसको जब क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल जो है ये वाला जो लाइन है बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। उसी प्रकार से आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू कर्व करेंगे और उसके बाद जो है इसको भी बिल्कुल भी आप इसी शेप में ला देंगे और यहां से क्लिक करेंगे तो ये लाइन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए ताकि प्रॉपर तरीके से ये नजर आएगा। और यहां से देखेंगे इस तरीके से तो इसकी और इसकी ये जो है बराबर रहेगा तो बिल्कुल भी ये सेम शेप में नजर आएगा। ये इस तरीके से आप इसका ध्यान रखेंगे। इस तरीके से उसके बाद जो है बिल्कुल सेम उसी तरीके से आप जो है सेप टूल के माध्यम से आप ये चाहें तो गाइडलाइन हटा सकते हैं, अन्यथा रहने दें। आप यहां से नीचे वाली लाइन को सेलेक्ट करें, कन्वर्ट टू कर्व करेंगे और यहां से जो है आप इसको नीचे लेकर के आएंगे और उसके बाद जो है इसको सेलेक्ट रखते हुए आप इसे बिल्कुल भी सीधा कर देंगे, यानी कि इस वाले हैंडल से बिल्कुल भी सीधा करेंगे ताकि इसका ज्वाइंट हमें पता ना लगे और ये बेहतर तरीके से नजर आए। इस तरीके से आप जो है इसको सीधा रखेंगे और इसको भी सीधा रखेंगे इस तरीके से। मान लीजिए इसको थोड़ा सा आराम से करेंगे तो और बेहतर बन पाएगा। ये एक ये बन गया। उसके बाद जो है आप इसको जो है कलर करेंगे।
मान लीजिए हमने ये कलर किया, रेड है बिल्कुल भी, बट वो जो है बिल्कुल जो पंखुड़ी होती है किसी भी फ्लावर का उसके अंदर सेड होता है, तो सेड देने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके अंदर हमें यूज करना होगा यहां से इंटरेक्टिव फिल टूल। इंटरेक्टिव फिल में से यहां से आपको लेना होगा फाउंटेन फिल, और इस तरीके से लेने के बाद जो है आप ये व्हाइट वाले पोर्शन को नीचे लेकर के आए और इसको जो है आप ये ऊपर लेकर के जाएं, इस तरीके से आप जो है ये फिल दे पाएंगे। तो एक ये जो पंखुड़ी हो गई ये आपकी रेडी हो गई, उसके बाद से एक और हमको बनाना है और उसके बाद इन्हीं दो पंखुड़ियों के माध्यम से हम पूरे कंप्लीट कर लेंगे इस डिजाइनिंग को। उसके बाद से जो है हम यहां से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ये हमने रेक्टेंगल लिया इस तरीके से। उसके बाद हम शेप टूल के माध्यम से हम इसको यहां से कन्वर्ट टू कर्व पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ये वाला जो नोट्स है हम इसको डिलीट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद इस वाले भुजाओं को जो है इस तरीके से हम पकड़ने के बाद जो है कन्वर्ट टू कर्व करेंगे, और उसके बाद हम इसको इस तरीके से लेकर के आएंगे। मान लीजिए इस तरीके से नहीं, हमें क्या करना होगा, मान लीजिए हमने इसको कन्वर्ट टू कर्व कर चुके हैं, तो यहां से पकड़ने के बाद ये वाले हैंडल को हम पकड़ेंगे और यहां से हम ये बाहर की तरफ लेकर के आएंगे, और इसको हम थोड़ा अंदर की तरफ लेकर के जाएंगे, और इसको थोड़ा सा और हम बाहर की तरफ लेकर के आते हैं, और उससे पहले हम इसको भी थोड़ा सा कर्व कर लेते हैं ऊपर वाले पॉइंट को, कन्वर्ट टू कर्व, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं। तो इसका जो है कोई फिक्स पैमाना नहीं होता, एक ये जो जैसे कि आप लोग आर्ट बनाया करते थे स्कूल कॉलेजेस में, स्कूल में बचपन में, उसी प्रकार से एक ये कॉमन सेंस की बात है। इसको जो है हम एक फ्लावर्स की तरह दिखना चाहिए, इसका कोई भी फिक्स पैमाना नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए, एक फ्लावर की तरह नजर आना चाहिए। मान लीजिए ये इस तरीके से हो गया, और अगर ये ज्यादा हो गया है तो हम इसको थोड़ा सा कम करते हैं इस तरीके से, इसको थोड़ा सा और अंदर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और बाहर लेते हैं, एक ये अच्छा सा दिखना चाहिए। इस तरीके से हमने किया, इसको भी हमने कलर किया, और दोबारा से इंटरेक्टिव फिल टूल के माध्यम से फाउंटेन फिल, और बिल्कुल उसी प्रकार से हम इसको भी कलर देंगे ताकि बिल्कुल वही फिल लेकर के आए इस तरीके से। अभी क्या है कि ये इस वाले पंखुड़ी से ऊपर है इसलिए सही नहीं दिख रहा है, इसको हमें नीचे लेकर के जाना होगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद जो है हम शिफ्ट के साथ पेज डाउन करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है हम इसी का कॉपी करेंगे, एक और कॉपी करने के लिए हम इस पर जो सेंटर पॉइंट है इस पर डबल क्लिक करेंगे, और ये जो रोटेशन है सेंटर पॉइंट इसको लेकर के हम आएंगे, ये वाला पॉइंट देंगे, और उसके बाद जो है हम इसको पकड़ करके इस तरीके से हल्का सा घुमाएंगे, और उसके बाद राइट क्लिक करके छोड़ देंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसको डाउन लेकर के जाते हैं, यानी डाउन ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें वही शिफ्ट के साथ जो है पेज डाउन प्रेस करना होगा, सॉरी पेज अप हमने कर दिया, पेज डाउन, अब ये नीचे चला गया है। अब इसको सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि दोबारा से हम शेप टूल को लेते हैं, या फिर ये ज्यादा घूम चुका है तो हम इसको दोबारा से थोड़ा सा कम करते हैं इस तरीके से। उसके बाद शेप टूल के माध्यम से हम इसको सेट करते हैं, यहां पर क्लिक करने के बाद जो है ये जो नीचे की तरफ आ रहा है हम थोड़ा सा इसको बराबर लेंगे, थोड़ा सा बाहर की तरफ लेकर के जाएंगे इस तरीके से, थोड़ा सा इसको हम कम करने की कोशिश करते हैं इस तरीके से, थोड़ा अंदर ज्यादा हो गया तो हम इसको बाहर की तरफ करते हैं इस तरीके से। जिस भी पोजीशन में लगे कि अब ये सही है तो उसी हिसाब से आप ये वर्क करेंगे। थोड़ा ज्यादा अंदर हो गया है तो हम इसको थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं, कोई भी फिक्स पैमाना नहीं है, जहां पर ये अच्छा लगे आपको वही पोर्शन अपनाना है यहां पर इस तरीके से। मान लीजिए ये पोर्शन सही रहा, अगर अभी भी प्रॉपर अगर नहीं हुआ है तो ये सब कुछ मैं एक आधार बता रहा हूं, आप जो भी ये है इसका डिजाइनिंग्स आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग अपने ढंग से आप जो है इसको सेट करेंगे कि आपको कैसा सही लग रहा है। ये थोड़ा सा आप ये चीज मैं आप पे छोड़ता हूं, आप अपने ढंग से इसको करेंगे। मान लीजिए इतना पर अगर हम मानते हैं कि सही है तो हम इस पर रखते हुए उसके बाद इन दोनों को ही हम जो है सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है यहां से हम पोजीशन लेकर के आते हैं ताकि इसका डुप्लीकेट करने में आसानी हो। विंडोज में जाएंगे, यहां पर जो है डॉकर्स में जाएंगे, और यहां पर आने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन में आने के बाद ये पोजीशन पर क्लिक करेंगे, या फिर अल्टर के साथ F7 प्रेस करेंगे तब भी ये आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन को रखते हुए हम इसका एक कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी करने के बाद जो है
थोड़ा सा इसके शेप में वो क्वालिटी नहीं आ पा रही है, तो थोड़ा सा हम इसको लेते हैं इस तरीके से और थोड़ा सा जो है हम इस तरीके से इसको बनाते हैं इस तरीके से। तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद इन दोनों ही जो साइड में हैं इन दोनों को ही सिलेक्ट करते हैं और यहां पर रखते हुए हम इसका अप्लाई करते हैं डुप्लीकेट। और इसका डुप्लीकेट करने के बाद जो है हम यहां से मिरर हॉरिजॉन्टली करते हैं। इस तरीके से करने के बाद आप देख सकते हैं दोनों तरफ बिल्कुल सेम डिजाइनिंग्स बन गई है और बिल्कुल एक ये पंखुड़ी की तरह नजर आने लगी है। तो इस तरीके से ये बिल्कुल कंप्लीट ऊपर का भाग बन गया। अब आता है नीचे का पोर्शन बनाने का। उसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम पॉइंट है, हम ये सेंटर वाले को पकड़ेंगे और इसका भी डुप्लीकेट हम एक करेंगे नीचे की तरफ। उसके लिए जो है यहां से डाउन वाले को हम यहां पर क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, नीचे आ गया है। और उसके बाद जो है हम इसको मिरर करेंगे वर्टिकली, मिरर यहां से मिरर वर्टिकली करेंगे, ऊपर हो जाएगा। और यहां से जो है हम इसको छोटा कर देते हैं और इसका कलर यानी कि पंखुड़ी का कलर जो है ग्रीन होता है। तो हम यहां से दोबारा से यहां से हम लेते हैं इंटरेक्टिव फील टूल और यहां से हम इसके कलर को चेंज कर देते हैं। मान लीजिए यहां से हम ग्रीन करते हैं, ये हमने ग्रीन कर दिया। उसके बाद जो है ये मान लीजिए नीचे का हो गया और उसके बाद हम इसी का डुप्लीकेट करेंगे सेंटर में एक क्लिक करेंगे और यहां से घुमाने के लिए यानी कि रोटेट के लिए ऑप्शन आ जाता है। यहां से फिर हम इस सेंटर पॉइंट को यहां पर लाएंगे और थोड़ा सा घुमाने के बाद हम इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है सेप टूल के माध्यम से हम इसको सेट करेंगे ताकि एक दूसरी पंखुड़ी कैसी होती है उसके हिसाब से आ जाए। तो ये प्रॉपर नजर जब ही आएगा जब ये बैक साइड में होगा। तो इसको सेलेक्ट रखते हुए शिफ्ट के साथ पेज डाउन करेंगे, बैक साइड में हो जाएगा। उसके बाद सेप टूल के माध्यम से हम इसको क्लिक करेंगे और इसको जो है थोड़ा सा अलग डिजाइनिंग्स देंगे इस तरीके से, जैसा कि आप एक पंखुड़ी को देखते होंगे जो कमल का फूल होता है, इस तरीके से हमें बनाना होता है। सो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बन गया है। इसको और भी थोड़ा सा आप जो है अपने तरीके से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं इसको और थोड़ा सा मूवमेंट देते हैं, इसको और राउंडनेस देते हैं, तो इस तरीके से बन जाएगा। इस तरीके से आप बिल्कुल इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने बनाया आप भी वैसा ही बनाएं, हो सकता है कि हमसे बेहतर आप जो है बना सकते हैं इसको। तो ये जो है बिल्कुल आप अपने हिसाब से बनाएं कि कैसा आपको सही लगता है। मान लीजिए एक ये हो गया, उसके बाद इसी का हम डुप्लीकेट करते हैं लेफ्ट की तरफ और उसके बाद इसको हम मिरर करते हैं हॉरिजॉन्टली और उसके बाद हम बैक साइड में ला करके बिल्कुल उसी डायरेक्शन में सेट कर देते हैं। इस तरीके से बन गया। और उसके बाद जो है मान लीजिए इसको हम कंप्लीट हो गया एक तरह से, कंप्लीट करने के बाद हम इसको ग्रुप कर देते हैं। इस तरीके से हमने ग्रुप किया और इस गाइडलाइन को हम डिलीट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम डिलीट बटन को प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम बनाते हैं इसकी जड़। जड़ के लिए बिल्कुल हम वही ऑप्शन अपनाएंगे। यहां से हमने एक लाइन लिया, इस पर डबल क्लिक किया, यहां पर हमने छोड़ दिया। इसके बगल में भी हमने क्लिक किया, एक लाइनिंग हमने लिया यहां से और डबल क्लिक किया यहां पर और यहां ला करके हमने छोड़ दिया इस तरीके से। और बिल्कुल इसको जो है हम सेप टूल के माध्यम से हम यहां पर भी इसको कर्व करेंगे। पहले हम इसको कर्व करते हैं, कन्वर्ट टू कर्व, और उसके बाद यहां से हम इसको थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं और यहां से हम इसे भी करते हैं कन्वर्ट टू कर्व, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है हम इसको मोड़ते हैं इस तरीके से। उसके बाद इसको भी हम लेते हैं, इस वाले को भी हम इसी तरीके से बिल्कुल भी हम इसको राउंडनेस देते हैं, इस तरीके से हो गया। इसे भी जो है हम थोड़ा सा राउंड देते हैं यहां से इस तरीके से। और उसके बाद जो है इन दोनों को ही थोड़ा सा इसकी लाइनिंग्स को हम थोड़ा सा मोटा करते हैं, ज्यादा हो गया इस तरीके से। और इन दोनों को ही सिलेक्ट करने के बाद जो है हम पेज डाउन करते हैं इस तरीके से। और उसके बाद जो है इसकी आउटलाइन थोड़ी सी कम लग रही है तो इसकी आउटलाइन को हम थोड़ा सा यहां से बढ़ाते हैं, इसको भी हम 4 कर देते हैं। सो आप देख सकते हैं अब ये कमल का जो चुनाव चिन्ह होता है उसके जैसा बिल्कुल एग्जैक्टली बन गया है। उसके बाद थोड़ा सा यहां पर हमें वाटर वगैरह का फील देना होगा इस तरीके से, और यानी कि थोड़ा सा कीचड़ वगैरह नजर आए, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे ये कहावत फेमस है बिल्कुल भी कि कमल जो है कीचड़ में ही खिलता है, तो इसलिए जो है ये कीचड़ दिखाना बहुत ही जरूरी है ताकि प्रॉपर नजर आए इस तरीके से।
और उसके बाद जो है इन सभी को सेलेक्ट करने के बाद आप यहां से इनका भी साइज 4 कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो है नेचुरल फील आ गया है, बट बिल्कुल नेचुरल हम इसे लोटस नहीं बोल सकते, वो भी हम बनाएंगे कि जो बिल्कुल नेचुरल दिखेगा। ये तो है एक नॉर्मल जो आर्ट हम लोग बनाते हैं, आर्ट बनाते रहे हैं उस टाइप से। तो इसको जो है हम यहां पर ग्रुप कर देंगे और इसको साइड में लेते हैं और इसका एक हम और डुप्लीकेट बनाते हैं यहां पर। अगर हम यहां से इस फ्लावर का आउटलाइन को खत्म करते हैं तो कैसा दिखेगा, मान लीजिए यहां से हम आउटलाइन को खत्म कर देते हैं इस तरीके से। यहां पर आकर के आप राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों ही ऑप्शन देख पा रहे हैं, दोनों ही ये लोटस जो है इस तरीके से हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से और बहुत जल्द से जल्द आप बना पाएंगे। अगर मुझे ये बनाना होता तो शायद एक मिनट से ऊपर नहीं लगता, बट समझाने की वजह से ज्यादा समय लग गया है। तो इस तरीके से इस टाइप का कोई भी फ्लावर है तो ये सारे ही ऑप्शन हर प्रकार के फ्लावर में यूज होते हैं, हर प्रकार की पंखुड़िया वगैरह बनाने में यूज होता है। तो इसी सारे ऑप्शन को बना करके किसी भी प्रकार का आप जो है कोई भी फ्लावर आप डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग और भी सारे तरह तरह के जो है जैसे रंगोलीज वगैरह में हम लोग कैसे क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।